हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज द थर्ड शॉट ऑफ दिस वीडियो और उसके पीछे की स्टोरी आपको इंटरव्यू के दौरान बताऊंगा। बट जैसे कि कई सारे इंटरव्यूज होते हैं जिसमें नॉन पॉलिटिकल होते हैं, वैसे ये एक नॉन अकेडमिक इंटरव्यू है। यहाँ पे क्लैट के दो टॉपर्स हैं, लेकिन हम इनसे क्लैट के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे, इनसे हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे और इसमें आपकी शायद ही कोई क्वेरीज रिजॉल्व हो। बट क्लैट एक्सपीरियंस की लाइफ के बारे में आपको कई सारे सवाल जानने होते हैं ना, कि जीते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, आराम कैसे करते हैं, वो सारे सवाल आज यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले साहिल, क्लैट के लिए कैसे तैयारी की थी? नहीं, ये वाला इंटरव्यू नहीं है। तो यार, यहाँ मेरे को पूछना है साहिल आपसे, क्लैट के बाद, क्लैट का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे इंटरव्यू दे दिए, उसके बाद क्या क्या कर रहा है क्लैट के बाद से अब तक? आई मेड सम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस और चेकलिस्ट टाइप। आई एम टेकिंग द मार्क्स लाइक ट्रैवलिंग, रीडिंग बुक्स, कंप्लीटिंग मतलब मेरी बहुत एक बहुत बड़ी सी वॉच लिस्ट टाइप है, मतलब मैंने कहीं लिख नहीं रखी है। हाँ, इट्स ऑल इन ब्रेन, लाइक किस दिन क्या देखने का मन रहता है मैं वही सब कर रहा हूँ। लाइक आई एम डीलिंग थिंग्स लाइक थिंग्स, जब कोविड आया था तो उस टाइम पे भी हम पे कुछ नहीं था करने के, बट उस टाइम पे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था बहुत सारी चीज़ों में। तो इस बार मैंने दोनों का थोड़ा मिक्स बनाने की कोशिश की है कि थोड़ा सा फन भी रहे लेकिन मैं थोड़ा कुछ नया सीख भी रहा हूँ। नाइस। पता है इस पर अभी साहिल, जब तुम्हारा ये इंटरव्यू गलती से कोई ऐसा इंसान देखेगा जिसने क्लैट तो टॉप कर लिया लेकिन उसका ट्वेल्थ भी साथ, वो कितना जल रहा होगा इस बात से। अच्छा, क्लैट के बाद एंजॉय करने को मिल रहा है। हम तो यहाँ पे ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई है यार इस बार क्लैट के एक्सपीरियंस के साथ, बहुत बार है ना कि उनका ट्वेल्थ बोर्ड अब है, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो यार ये तो सच में बहुत दिक्कत की बात है। बट यार वेरी हैप्पी कि 6 महीने मिले तुम लोगों को बिफोर द रोलर कोस्टर बिगिंस। कोमल, फर्स्ट टाइम इन बेंगलोर है? यस। तो कैसा लगा बेंगलोर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा, क्या अच्छा लगा इस सिटी में? सब कुछ ही अच्छा है यहाँ पे। सब कुछ अच्छा है? अच्छा, जो लोग बेंगलोर में रहते हैं ना वो बताएंगे कि क्या क्या है यहाँ पे जो अच्छा नहीं है, मतलब ट्रैफिक। कल मैं लगभग 5 बजे आ गया था एयरपोर्ट, 8:30 बजे यार होटल आ गया। 3 घंटे तक बेंगलोर में सिर्फ गाड़ियाँ देखी, सिर्फ गाड़ियाँ देखी, कुछ भी नहीं देखा यार। व्हाट ऑल हैव यू बीन डूइंग? क्लैट के बाद से क्या क्या किया? क्लैट के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स को कॉल करा, सभी से 2-3 घंटे बात करी। अरे वाह, इतने दिन तक नहीं हो रही थी ये बात? बिल्कुल नहीं हो रही थी, 5 मिनट होती थी। उनको कॉल करा, काफ़ी सीरीज देखी, वो भी पेंडिंग थी मेरी, और तो कुछ नहीं करा मैंने। ट्रैवल का मेरे को वैसे भी शौक नहीं है तो करती। सीरीज कौन कौन सी देखी? सीरीज मैंने वेडनेसडे देखी, मनी हाइस्ट देखी। मनी हाइस्ट नहीं देखी मैंने तब की। मनी हाइस्ट देखी है? अभी देखी। पूरी देखी? ये पूरी नहीं देखी, थोड़ी सी देखी। कितने देखी? 6 एपिसोड देखे अभी, शुरुआत के 6 एपिसोड देखे। सर बैंक लूटने ही चालू किया होगा साहिल? हाँ हाँ कर रहे हैं साहिल। देख ली पूरी मनी हाइस्ट? मनी हाइस्ट तो उसका बहुत बच था। हाँ, मैंने भी तभी देखी थी। तब उसका बहुत बच था, नया सीजन आया था और उसका बहुत बच था, तभी देखी। देखो, मैंने एक दोस्त को कॉल किया, बोलता है क्या कर रहे हैं, तो सीरीज देख रहा हूँ। अच्छा, एक काम कर, मुझसे बात कर। मैं करूँ यार 2 एपिसोड बात कराऊँगा। उसके बाद 2 हफ्ते तक बात नहीं करी उसने मुझसे, ये मनी हाइस्ट के कारण हुआ मेरी लाइफ में। बाकी यार एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पूछनी थी जो श्रुति ने सजेस्ट की थी, कि क्लैट वाले दिन क्या दिन था क्लैट का, मतलब साहिल बताया सुबह से क्या क्या हुआ, क्या क्या लेकर के गए, प्रार्थना की नहीं की, भगवान को याद किया नहीं किया, नहाए नहीं नहाए, ब्रश किया नहीं किया, भूल गए। कैसा दिन था वो? टू बी ऑनेस्ट, मैं उस दिन बहुत लेट उठा था, लाइक नॉर्मल में 9 और 10 के बीच में उठती हूँ, उस दिन मैं 11 के आसपास उठा था क्योंकि रात में नींद नहीं आई थी और सुबह के टाइम पर नींद आई थी रात में, और फिर मैं 11 और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था फ्लैट का सेंटर, लाइक 2-3 किलोमीटर था। तो पहुँचने की तो कोई टेंशन नहीं थी, लाइक इफ आई मैं अगर वॉक नहीं करता तो पहुँच जाता। नहीं, इतना पास नहीं, 2-3 किलोमीटर तक हाई, लाइक हाईवे पे था वो। अच्छा, तो उसलिए मैं लेट हुआ था, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि सेंटर कब पहुँचेंगे कैसे पहुँचेंगे, मेरे को टेंशन थी मैं उस पेपर से पहले के जो 5 या 10 मिनट हैं उनमें क्या करूँगा। अच्छा, तो मैंने उस टाइम पे मतलब
यूट्यूब पर थोड़ा सर्च किया, हाउ टू काम योर सेल्फ ड्यूरिंग टफ टाइम्स. अच्छा, हाउ टू काम योर सेल्फ ड्यूरिंग टफ टाइम्स. उसमें मतलब एक एक्सरसाइज, सबसे पहले एक्सरसाइज थी डीप ब्रीदिंग. मैं बस उसी को करता रहा पूरे आधे घंटे पहले बैठा देते. मैं आधे घंटे तक डीप ब्रीदिंग कर रहा था, लाइक माई लंग्स एट दैट टाइम फुल ऑफ ऑक्सीजन. फुल ऑफ ऑक्सीजन. सो कई लोगों की, कई लोग बोलते हैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी. साहिल की क्लैट सक्सेस का सीक्रेट ऑक्सीजन. साहिल से कोई पूछेगा आप किसको श्रेय देते हैं आपकी क्लैट ओ देखो. कोल तूने क्या किया सुबह से? मेरे को लगता है वो लाइक 6 मंथ से मैं प्रिपेयर कर रही थी 2023 के लिए, तो शायद वो पहला दिन था जिस दिन मैंने अलार्म नहीं लगाई थी. अच्छा, तो मैं काफी लेट उठी थी, लाइक 7-8 बजे के पास. तो इस बात पे तो रिसर्च होनी चाहिए यार, सारे टॉपर लेट उठे थे क्या उस दिन? नहीं, 7 और 8 तो कितना अर्ली है, लेकिन उसके लिए तो लेट. वो बोल रही है सुबह 3 बजे उठती थी हां सी करने के लिए. अरे बाप रे, 3 से 5 फिर 5 बजे दोबारा सो जाती. अच्छा, एक मिनट, मतलब मैं वापस से बता रहा हूँ आपको क्या बोल रही है ये लड़की. ये 3 बजे उठती थी, 5 बजे तक सीए करती थी, फिर सो जाती थी. ठीक है, फिर क्या होता था? मतलब फिर सो कितने देर के लिए जाते थे? 6 बजे दोबारा उठती थी. तो इस इंसान की आफ्टरनून नेप अर्ली मॉर्निंग में हो रही थी. ठीक है, मतलब आफ्टरनून नेप थी ना, 5 बजे हो गए. फिर क्या करा? लेकिन आपने वो क्लैट के बारे में तो नहीं बात करनी यार, फिर नॉन एकेडमिक इंटरव्यू थोड़ी बचेगा. क्या हुआ था उससे? उससे 7-8 बजे उठे, जो कि 5 घंटे लेट था. ये तो कितना लेट होता तू? 11 बजे उठा था. और एवरेज कितने बजे उठता था? 9-10 बजे. वो इंसान सिर्फ 1 घंटे लेट था, ये इंसान यहाँ पे 5 घंटे लेट थी. उसकी वजह से मेरा हेडेक हो रहा था पूरे दिन. वो टाइमिंग की प्रॉब्लम हो गई ना, लेट उठने की वजह से हेडेक हो रहा था. क्यों? वो टाइमिंग अलग हो गया. अच्छा, ठीक है, टाइमिंग से ज्यादा इसलिए. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हेडेक हो रहा है. फिर मैंने कुछ YouTube पे लाइक सॉन्ग्स वगैरह सुने, वो कुछ नहीं करा मैंने उस दिन. YouTube पे बताया मेरे एक, मैं जानता हूँ एक टॉपर को, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी थी. मतलब मेरे को बात करने का मौका मिला तो ही टोल्ड मी. YouTube पे अगर आप क्लैट के दिन एक वीडियो सर्च करोगे हाउ टू काम योर सेल्फ ड्यूरिंग टफ टाइम, आपकी एआई बात सकती है. मेरे को करना चाहिए था ये. हाँ, इस पर एक नेपोलियन का कोट भी है. हाँ, कि अ जीनियस इज समवन हु डूइंग एवरीथिंग इन टाइम ऑफ एनार्की वॉर. ऐसे मतलब करके था नेपोलियन का, उनको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं यार, बट मीनिंग उसका यही था नेपोलियन. आई एम श्योर जो भी उसको कमेंट कर पाएगा नेपोलियन का वो कोट आइडेंटिफाई करके बता सकते हो यार, अगर आप ये कमेंट कर पाओ तो. यार साहिल हम देखते हैं कमेंट में ऐसे कोट सही आते हैं या नहीं आते, फिर साहिल बताएगा कि ये वही वाला कोट था जिसकी साहिल बात कर रहा था यार. ठीक है, सर दुख रहा है, गाने सुन लिए, गाने के बाद क्या? उसके बाद बस सेंटर पे गई थी. उसके बाद तो मैं, कितने बजे? काफी जल्दी पहुंच गई थी मैं, 12 बजे शायद. 12 बजे पहुंच गए थे. जब जिन लोगों का सेंटर 2-3 किलोमीटर दूर था वो निकलने की सोच रहे थे तब आप सेंटर पे. मेरे को काफी लगता है ना तो मैं जल्दी पहुंच गई. फिर क्या हुआ सेंटर पे? सेंटर पे कुछ नहीं करा मैंने, मैं सभी को देख रही थी. क्या देखा? कोई और भी मेरी तरह नर्वस है या नहीं है. क्या लगा? वो कोई नर्वस नहीं लग रहा था. तो अकेली नर्वस थी? मेरे को लग रहा था उनको देख के कोई टेंशन नहीं है. शायद तुमने देखा लोगों को सेंटर पे. मैंने क्लैट से पहले सबको अवॉइड किया. हाँ, ना किसी से बात करनी, मैं अपने आप को बिल्कुल माइंड में बता गया था ना किसी से बात करनी है, ना किसी को, मतलब कोई अगर रिवीजन कर रहा है तो उसके बारे में भी टेंशन नहीं लेनी कि ये लास्ट मिनट पर पड़ रहा है. मतलब वैसे मुझे भी लास्ट मिनट रिवीजन की कभी आदत नहीं लगती. तो अब मैं बस मतलब सेंटर पर गया अराउंड 1:15 आई चेक इन और मैं लाइन में लग गया और एक ट्री पे फोकस करने लगा कि मैं बस वो ट्री देख रहा हूँ और ब्रीदिंग कर रहा हूँ बस. नर्वस बहुत था उस दिन तो अब मैं और उसको बढ़ाना नहीं चाहता था यार. बता शायद तुमसे बात करके मेरे को कैसा लग रहा है कि एकदम वो खतरनाक काम स्टोइक बंदे नहीं होते जो मतलब लाइफ में एकदम सॉर्टेड से होते हैं, जो वैसी फीलिंग आ रही है यार. मतलब देयर इज सो मच दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम यू राइट फ्रॉम कि यू डिड द वही जो नेपोलियन का कोट था जो शायद कॉमेंट में हमको मिल जाएगा. तुम मेरे को भी, मैंने तो कभी सुना नहीं था, बट यस यू डिड
the most obvious things that we suggest aspirants to do in the time that you were supposed to do it. मतलब सुनते सब है, करता कोई नहीं. तुमने वो करा था, यू वर डूइंग इट ऑन योर ओन. मतलब दैट वाज अ ग्रेट थिंग ऑब्वियसली. क्योंकि यार ये तो होता है, मैं आई रिमेंबर एक एक्सपीरियंस, एक कोचिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने गया था मैं कोटा में 2014. भाई वहाँ पे बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं तो इतने मोटे मोटे उनके चश्मे है ना, उनके यहाँ पे तरह तरह के पेन है. और मेरे को लग रहा है कि यार इतना बड़ा इंसान है तो बहुत कुछ तो पहले से आता होगा उसके बाद ही पढ़ाई कर रहे हैं. और तो बुक भी नहीं लेके आए. जैसे लास्ट रूम में जो बुक लेके बैठे होते हैं वो ज्यादातर वो होते हैं जो बिल्कुल मतलब पढ़ते नहीं आए हुए होते हैं. वो लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ते हैं, लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ते हैं. मैंने मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सब हो ऐसे, बट मैंने अपने माइंड में ऐसा कह रखा है जिससे वो मेरे मतलब हेड पर ना चढ़ जाए. लेकिन जब तुम लॉ स्कूल जाओगे पता है, लॉ स्कूल में तुमको एटलीस्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम चलते चलते पढ़ना आ जाएगा. मतलब एग्जाम है तुम्हारी 2 बजे, तुम एग्जाम हॉल जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो ये बहुत होगा. क्योंकि बैक टू बैक होगा ना क्लैट के लिए, तो हमको बहुत तैयार होने का मौका मिल जाता है. अब उसके बाद क्लैट में तुम लोग क्या लेकर के गए थे, मतलब वॉट क्या क्या लेकर के गए थे, कौन गया था साथ में? साथ में मेरे पापा गए थे. मेरे पास तो बस एक पेन पेंसिल और कुछ नहीं था. अच्छा, पेन पेंसिल बस. हाँ. और कुछ खाने का वगैरह कुछ लेके गए थे उस दिन? तो कुछ भी नहीं खाया था, थोड़ा बहुत. सुबह से कुछ खाया था? थोड़ा बहुत. मैं सिर्फ 2 ब्लैक पेन लेके गया था, ब्लैक पेन बस. और मतलब वाटर बॉटल भी लेके गया था, ऐसा नहीं है कि बस. मतलब मेरे पास कुछ मतलब मैं लाइक जब मैंने 2020 में लेके गया था ना, तो मैं स्लेट वगैरह भी लेके गया था लाइक वो अलाउड ही नहीं था. तो मुझे पहले से पता था क्या क्या अलाउड है क्या नहीं है, वॉच कैसी अलाउड है कैसी नहीं है. तो मैं उस दिन बस 2 पेन लेके गया था पॉकेट में, एक आईडी कार्ड अपना, क्या कहते गवर्नमेंट आईडी कार्ड तो जरूरी था बस. और कौन गया था साथ में? मेरा ब्रदर. ब्रदर गए थे? बड़े ब्रदर हैं? हाँ बड़े. ओके नाइस है, तो वो लेकर के गए थे. बढ़िया. और एग्जाम से बाहर आ गए, बाहर आके कैसा लग रहा था? मेरे को तो लग रहा था ऐसे सारा खराब करके, लाइक मेरे 70-80 आएंगे मार्क्स. 70-80 आएंगे, और आए कितने? ये 97.25. साहिल क्या लग रहा था, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी? जब मैं बाहर आया था ना, हाँ, मैंने अपने भाई से कहा था कि मेरी क्लास में सब लोग बहुत कॉन्फिडेंटली पेपर दिए हैं. मेरे बगल में एक गर्ल बैठी थी, हाँ, उसने पेपर 5 मिनट पहले खत्म किया. हाँ. उसके पेपर पे OMR कोई मुझे खाली भी नहीं दिख रहा था. और उसने ऐसा भी नहीं किया, मतलब आप अगर कोई तुक्के मार रहा होता है तो वो पढ़ता ही नहीं है, मतलब सीधे तुक्के मार के भर रहा है ना. उसने पूरा रीड करके भरा. मेरे को लगा पेपर बहुत ही इजी है. मैंने आया, मैं वही सोचा कि 3-4 मार्क्स हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए सीट बढ़ने के बावजूद. हाँ. तो उसने कहा ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब मैंने उस टाइम पर NLS की कट ऑफ पता थी. लाइक ड्रीम तो NLS ही था, मतलब आई विल बी हैप्पी इन एनी टीयर वन कॉलेज, बट ड्रीम तो NLS था. तो मैं NLS के ही देखता था कि कट ऑफ कितनी है क्या है. तो क्या कहते हैं, उससे मैंने बोला कि इसका कट ऑफ 2-3 मार्क्स तो बढ़ेगी कम से कम. और मेरे को पेपर मतलब अच्छा तो गया है, बट मुझे अपने क्या कहते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट्स आ गई, हो सकता है कि गलत हो. और GK में भी मैंने मतलब मेरे को अराउंड 22 क्वेश्चन तो श्योर थे, लेकिन 5-6 मेरे फ्लूक थे. मतलब इंटेलिजेंट गैस थे, फ्लूक तो मैं पूरी तरीके से नहीं कहूँगा ना, इंटेलिजेंट गैसेस थे. तो मुझे उनका बहुत डाउट होना था कि एक तो वो कटेंगे नंबर नहीं दिलाएंगे, नंबर कटवाएंगे. और मैंने उससे कहा अगर वो मेरे सही निकल जाए ना तो हो सकता है मेरा चांस हो NLS में. मैंने उससे आते ही ये बात बोला. उसके बाद हम थोड़ा कुछ खाने पीने भी चले गए थे. अच्छा. उसके बाद तो मैं आके घर पे थोड़ी देर रेस्ट कर लिया. उसके बाद उस दिन फुटबॉल का फाइनल था फीफा का. मैं फीफा के फाइनल के बारे में वैसे पूरा भूल चुका था. अच्छा. फिर मैंने थोड़ा सा मतलब ग्रुप चैट्स वगैरह खोले क्लैट के लोगों को, बाकी लोगों को पता लगा पेपर. एंड एवरीवन वाज क्राइंग ऑन GK. मैं सोच रहा कि सब क्राई कर रहे हैं, मैंने उसमें फ्लूक भी मतलब ऐसे मारे इंटेलिजेंट लाइक. और अब ये वो तो गलत होंगे ही, तब तक आंसर शीट किया आने में मतलब ये आंसर के आने के आधे घंटे बाद. फिर मैं तो क्या कहते हैं आंसर की आई, आई चेक. मुझे लगा मैंने गलत चेक कर लिया है. क्यों, कितने आ रहे थे? 112. गलत चेक कर लिया है मैंने बस. लेकिन तब भी अपने मम्मी पापा को बता दिया घर में कि मेरे इतने मार्क्स हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैं NLS और NASA के बॉर्डर पर रहूँगा. क्योंकि मुझे तो स्टैंप लग रहा था कि कट ऑफ 115 हो जाएगा. नहीं 115 नहीं, मैंने बॉर्डर बोला ना, तो लाइक 112 हो जाएगा.
लाइक जब मैं निकल के 112 नंबर पे, अगर आप मेरे से जब मैं पेपर देके आया था तब पूछते तो मैं बोलता मेरी रैंक 90-100 आई है। ओके ठीक है, क्योंकि पेपर उस टाइम पे मेरे बता नहीं मेरे सेंटर से सब बच्चे कॉन्फिडेंट से निकले पता नहीं कैसे, कोई ना रोता हुआ निकला, बल्कि 2022 का पेपर ईजी था, फिर भी मैं जिस उसमें जिस टाइम जिस सेंटर में गया था उससे बच्चे रोते हुए निकले थे, बहुत इस बार फिर रोते हुए भी नहीं निकला, सब बड़े कॉन्फिडेंस से आके निकले यार, तो अगले कट ऑफ तो बहुत पड़ेगी इस बार। और फिर क्या कहते हैं, फिर जब टेलीग्राम पे देखा उस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछते तो मेरा कैसे था रैंक 50 तक का, उसके अगले एक दो दिन बाद पूछते मेरा गेस था रैंक 20 तक का, वो मेरा लास्ट गेस था कि इतनी तक तो आ सकती है इस मार्क्स में, रैंक 2 तो पता ही नहीं था कि आ जाएगी मुझे बिल्कुल, मैंने सिंगल डिजिट का तो वेट भी पार नहीं सोचा था कि मेरे इतने मार्क्स पे 112 पे, लाइक 2022 में 112 पे मेरे ख्याल से 25 या 30 रैंक हो गई, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने मतलब एग्जैक्टली पता नहीं, इस मेरिट लिस्ट निकाली नहीं थी इस बार तो 2022 की क्लैट में, तो एग्जैक्ट तो पता नहीं है किसी को, बट यही गैस है सबका कि 107 पे तो NLS की कट ऑफ ही खत्म हो गई थी। मैं फिर अपने आप को सोच रहा चलो कम कुछ नहीं तो नालसार तो जाएंगे। उसके बाद मैंने मतलब उसके बाद अगले दिन जब मैंने फिर से दोबारा चेक किया तो अपना की क्या कहते हैं 112 भी हैं, फिर मैंने वो केशव सर को भेजे मार्क्स, केशव सर इतने आए हैं आपके कारण आए हैं, मैं आपको भी भेजना चाह रहा था बट फिर मेरे को पता नहीं था मैं आपको किस पर कॉन्टेक्ट करूँ इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, तो फिर मेरे को वो नहीं पता था, तो फिर मैं आपको भी भेजना चाह रहा था ना, मैं केशव सर ने कहा कि बढ़िया है इतने तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, और फिर उसके एक दो दिन बाद एलेट का रिजल्ट आ गया था, एलेट में लाइक मतलब एलेट में भी कट ऑफ बहुत हो गई, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 200 रैंक और 92 आ गई एलेट में। अरे वाह, तो एक ऐसा इंसान है जिसने NLD भी जा सकता था ये, लेकिन अब जाएगा नहीं। आई डोंट थिंक 92 में NLD होता है, वेटिंग लिस्ट होकर के आ जाता है, ऑल इंडिया जनरल 55 सीट्स में नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि जो टॉप 55 होते हैं उसमें से लॉट ऑफ देम मेक टू NLS एंड आंसर, तो वो वेटिंग लिस्ट में आ जाती है 100 तक भी, इट्स वेरी कॉमन टू सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड 100-110 गेटिंग इनटू NLD अ लॉट ऑफ टाइम्स। हियर इंटरेस्टिंग, और उसके अलावा तो कोमल तो हर्ड अ लॉट ऑफ म्यूजिक ना उस दिन, व्हाट म्यूजिक डू यू लिसन टू, कौन कौन से सिंगर्स पसंद है या बस जो रैंडम आ जाता है क्या? बस तो रैंडम बट 90s सॉन्ग कौन कौन से? लाइक कभी खुशी कभी गम दैट मूवी सॉन्ग और DDLJ ओम शांति ओम, लाइक द सॉन्ग्स ऑफ दैट मूवी। व्हाट आर योर फेवरेट मूवीज? SRK मूवीज मोस्टली। अच्छा, यू आर एन SRK फैन, अरे वाह। साहिल, व्हाट अबाउट यू? फेवरेट मूवी का टाइटल तो देना किसी को मुश्किल है, लाइक देयर विल बी अ अरे ऑफ मूवीज, हाँ वो भी बहुत लंबा, हाँ क्योंकि किसी को भी फेवरेट, लाइक आई लाइक शॉशैंक रिडेम्पशन, फॉरेस्ट गंप, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब दीज ऑल आर मूवी, ये सिनेमा तो है उसके साथ साथ आपको थोड़ा मोटिवेट भी कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा भी रहे हैं, तो दीज मूवीज क्लासिक हैं, ये ऑल टाइम ग्रेट। यस, और म्यूजिक में व्हाट्स योर टेस्ट? म्यूजिक में ज़्यादा वैसे सुनता नहीं, मतलब एक दो, मतलब म्यूजिक इज नॉट अ थिंग विच आई लाइक, ऐसा नहीं है कि म्यूजिक खराब से, मैं सुनता हूँ म्यूजिक बट ऐसा नहीं है कि मैं म्यूजिक के साथ ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत ही कभी कभी खुद से तो कभी नहीं सुनता, कोई और सुना रहा है तो सुनता हूँ। अच्छा, बस चल रहा है तो बस सुन लेंगे, अलग से नहीं सुनेंगे। नाइस है। और उसके अलावा डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स कोमल? कुछ भी नहीं, फॉलो एनी स्पोर्ट्स? नो नहीं, तो के स्पोर्ट्स लिस्ट पर्सन है यहां पे, तो टेल व्हाट अबाउट यू, डू फॉलो एनी स्पोर्ट्स? या आई फॉलो क्रिकेट, क्रिकेट फुटबॉल, मैंने अभी थोड़ा बस करंट अफेयर्स लिए बनना कि फुटबॉल इज नॉट मी, आई फॉलो F1। अच्छा, मतलब F1 मैंने बचपन से नहीं करता था, अभी एक दो साल से हुआ है F1 का, बचपन से तो मैं क्रिकेट और थोड़ा बैडमिंटन फॉलो करता था। अच्छा, क्रिकेट में हुआ है फेवरेट प्लेयर्स अभी करंट इंडियन टीम में? करंट सूर्य कुमार यादव इज डूइंग गुड, विराट कोहली इज ऑल टाइम फेवरेट ऑफ एवरीवन, दीज टू प्लेयर आर डूइंग एट प्रेजेंट ग्रेट, वेटिंग फॉर जसप्रीत बुमराह टू कम बैक। अच्छा, पता है परसों इंदौर में मैच था, पता है इंडिया न्यूजीलैंड देखा था, तो 400 बन नहीं पाए, तो कल मैं जब आ रहा था तो कल इंडिया टीम भी आ रही थी एयरपोर्ट पर, आई सॉ ऑल ऑफ दिस प्लेयर्स, कोहली था, पंड्या था,
अलॉट ऑफ बहुत सिक्योरिटी हो गई थी एयरपोर्ट पे, बट आई गॉट टू सी ऑल ऑफ देम। मतलब उन्होंने फिर वो जो सिक्योरिटी एक वाला एरिया होता है वो पूरा खाली करवा दिया, और वो लोग उनकी फ्लाइट हमारी बात थी है ना पास वाले रनवे से, तो बस थोड़े से मिस हो गए यार, नहीं तो क्योंकि उधर तो फिर लिमिटेड लोग ही रहते हैं, तो यू कैन गो एंड मतलब हमारे बात जो रहे होंगे डेफिनेटली, हमारी चेकिंग खत्म हो गई थी, बट वो लोग मिले कल प्लेयर से, तो ये बड़ा छोटा सा चांस था जो मिस हो गया। वेरी नाइस मोमेंट। हाँ यार, लेकिन देखा जरूर था, मतलब आई विल शो यू वीडियो आफ्टर दिस इंटरव्यू, दूर से जरूर उनको पांड्या दिख रहा है अब यार, दिख रहे हैं है ना। बाकी व्हाट आर योर प्लान्स, अभी 4 महीने और बचे, 4 more months ऑफ फन, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के समय कभी वो बुलाएंगे आप लोगों को, तो लिस्ट में तो नाम आ गया आई एम श्योर है ना, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है, कंफर्मेशन फी भी दे दी होगी, काउंसलिंग पूरी डन है ना, तो एनएलएस वाले थोड़े समय फीस भी मांग लेंगे तुम लोगों से। बाकी क्या करने वाले हो 4 महीने में? जनवरी में क्या है ना, मैं हर मंथ उसी को कॉपी करना चाहूंगा, लाइक जनवरी लाइक मैंने ट्रेवल भी कर लिया, मेरी चेकलिस्ट मतलब टिक हुई जनवरी में लाइक, तो फिर मैं इसी को कॉपी करना चाहूँगा, पढ़ाते रहना चाहूँगा। नाइस नाइस नाइस। तो बुक्स भी पढ़ी ना, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी? साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स, एक स्टोरी बुक थी गोस्ट ऑफ साइलेंट हिल्स। गोस्ट ऑफ साइलेंट हिल्स, ओके नाइस। हाउ डिड यू फाइंड एटॉमिक हैबिट्स? एटॉमिक हैबिट्स वॉज गुड, मतलब आई रियलाइज कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही अपनी लाइफ में लागू कर रखी है, मतलब अपने लाइफ में अप्लाई कर रखा है उनको बहुत, आई रियलाइज, तो that was a proud thing ki it's a best seller book and you are doing things jo usme likhi hui hai aur aapne kabhi wo padhi hi nahi thi apne aap se, so that's a nice feeling that you are thinking very good and so Atomic Habits was a very good movie. I liked Psychology of Money better because Psychology of Money mein aisi cheeze mujhe zyada pata chali jo pehle main us perspective se think nahi karta tha. तो वर यू ऑलवेज अ रीडर या अभी शुरुआत की बुक पढ़ना? मैंने अभी किया है, मतलब मैं हैबिचुअल रीडर, बुक्स का तो नहीं था, बुक के लिए। और कोमल अभी न्यूज़पेपर भी चालू है या बंद? अभी मैंने 1 जनवरी से दोबारा स्टार्ट करा था। अच्छा। 2 दिन रीड करा फिर मैं भूल गई। भूल गई सब। यार कोमल, टेल मी अबाउट द टाउन दैट यू कम फ्रॉम, कहाँ से आते हो, कहाँ पे पढ़ाई हुई है? आई एम फ्रॉम अ विलेज इन राजस्थान बट मेरी स्टडी पंजाब में हुई है। पंजाब में कहाँ पे? मैटरनल ग्रैंडपेरेंट्स के पास मानसा में एक विलेज है। अच्छा, और उसके बाद से वहीं पे सब कुछ करा? हाँ। और फिर कोचिंग अकेडमी से, तो मतलब ऑनलाइन, मतलब कहीं बाहर बाहर नहीं निकली उसको? पंजाबी अच्छे से बोल देते हो? हाँ। बढ़िया, तो मेरे को तो नहीं आती लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आंसर पंजाबी में हो। आपके फ्रेंड भी पंजाबी है? कौन आपके फ्रेंड? अरे वो उनको आती है, मेरे फ्रेंड को आती है पंजाबी, ठीक है, ये हम लगा देंगे फोटो वीडियो के बीच में, इस फ्रेंड की बात हो रही है ये, ठीक है। हाँ तो कोमल यार, क्या अब मेरे को सवाल नहीं आ रहा कुछ। कोमल मेरे को ये बताओ कि हमेशा होता है ना कि क्लैट प्रिपरेशन में देयर इज ऑलवेज अ गो टू पर्सन, हमारे घर में होता है, फ्रेंड होता है, तो कौन था, कोई ऐसा इंसिडेंट है जब उसके पास गए वो पूला हो कि यार मजा नहीं आ रहा, क्लैट फोड़ के डर लगता था, पंजाबी में आंसर पंजाबी में? हाँ, मेरी एक स्कूल फ्रेंड सी, लाइक थर्ड क्लास तो प्लस टू तक इसी नाल पढ़िया, तो मैं उन्होंने फोन करती सी जो भी, लाइक इन्नी पॉजिटिव कुड़ी है वो, तो मैं जो भी लाइक डाउन फील होता सी मैं फोन करती सी, ते वो बस मैं पूरी चेक दिंदी सी, मैं ही फर्स्ट आऊँगी बस, और किसी ने नहीं आना। अच्छा। मैं इन्नी मोटिवेट हो जाती सी तो गल करके, तो मैं 2 घंटे 3 घंटे जिन्नी देर मैं गल करती सी उन्नी देर करती सी, तो मैंने फोर्स भी नहीं किया गल करने लिए, जे मैं स्टडी कर रही हाँ तो अभी नहीं कि मैंने डिस्टर्ब करना है कि नहीं, जे मैं फोन करती थी तो बस वो हमेशा अवेलेबल से मेरे लिए, तो उन्होंने भी थैंक यू बोलना है। क्या नाम है उसका? सीधे प्रदीप कौर, तो उन्होंने भी थैंक यू मेरे तरफ। अरे वाह, और हाउ इट, उसने कैसा फील करा उसके बाद? वो तो मेरे से भी ज़्यादा खुश थी पंजाबी में। तो मेरे नाल भी ज़्यादा खुश थी, मतलब मेरा इन्ना वधिया कॉलेज एडमिशन होया, मैं इन्नी एक्साइटेड नहीं सी, लाइक हो गया एडमिशन, मतलब खुशी पर इन्नी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई, पर वो तो पूरी बस जो एडमिशन हो गया तो बड़ी खुशी मेरे लिए।
तो फिर हमने दोनों का ये तो फिगर आउट कर लिया कि सक्सेस का श्रेय किसको जाता है, साहिल का ओटू को, कोमल का उसकी दोस्त को। गाइस ऑलराइट गाइस, तो दिस वर आवर क्वेश्चंस फॉर द टॉपर्स। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन हो तो शायद आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि वो नेपोलियन का कोट आइडेंटिफाई करना जो साहिल ने हमको बताया था, क्योंकि वो कोट शायद आपको भी इंस्पायर कर जाए। थैंक्स अ लॉट गाइस, लेट्स क्रैक इट।